Let's start September 21 paper. How many questions are there? 5 questions. हाँ, ओके, कोड वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, मत करो अभी, इग्नोर कर दो. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. इन अ स्मॉल कंट्री अ पॉलिटिकल इलेक्शन वाज held recently to decide on a political party to govern the country. A survey was conducted to monitor the approval rating for the winning political party. A sample of 15 voters were asked to complete the same survey twice, once before the election and second 6 months after the elections. The survey asked each of the 15 voters to record their approval for the winning political party on a scale of 1 to 10. So basically, कितने approvals हैं before winning, before the elections, and कितने approvals हैं after the elections. 1 is strongly approve or disapprove, and 10 is strongly approve. तो ये हम लोग run कर लेंगे. Calculate the mean. दोनों का mean निकाल लो. Quite easy. Start solving on your own. देखो खुद से कोड्स लिख पा रहे हो कि नहीं. नहीं कर सकते. कॉपी कर सकते हो बट यहां से आर में. तो तुम टैब में शॉर्टकट दिखा दूंगी ना इसके लिए. अलग अलग मीन ऐसा कुछ नहीं है. कुछ बोला नहीं जाता तो तुम कुछ भी कर सकते हैं. पार्ट 1. तो सबसे पहले तो आई पेस्ट दिस अप्रूवल वाला एंड देन इसका हम लोग को मीन निकालना है. सो मीन ऑफ, देखो कैसे करते हैं. एपीपी लिखेगा ना तो अपने आप आ जाएगा. इसे नीचे लेके जाओ एंड टैब. अरे अप्रूवल बिफोर एंड आफ्टर. तो बिफोर थोड़ा हाई है एंड आफ्टर इलेक्शंस इट हैज गॉन डाउन. Outline why Kendall's tau would be a suitable correlation coefficient to use for these results. क्यों होगा बताओ? क्योंकि Kendall's rank correlation ने Kendall's tau में अपने क्या करते हैं, rank correlation coefficient निकालते हैं ना. तो basically वहां हम लोग क्या measure करते हैं कि monotonic relationship measure करते हैं. जैसे तुम पहले क्या ranking था, after that क्या ranking है and फिर उसका correlation. For example, if I voted 5 and next time I voted 7, तो मेरा rank change हो गया ना. So ranking यहाँ पे measure करने से क्या होगा कि हम लोग को यहाँ हम लोग को ये नहीं फर्क पड़ता कि 1 क्या है 10 क्या है. ये नहीं मतलब है कि 10 is a higher number. नहीं, 1 से 10 is a categorical variable जहाँ 1 is strongly disapprove and 10 is approve. यहाँ पे the weight of the number, the actual value of the number doesn't matter ना. इस केस में इस 10 का मतलब ही नहीं 10 is greater than 1. नहीं, 10 का मीनिंग है strongly approve, ये बोल रहा है. तो यहाँ पे actual value से हमें मतलब नहीं है, हमें relative value से मतलब है. हमें monotonic words like relative values, monotonic relationship, we don't care about the actual value. So that is why यहाँ हम लोग को Kendall's tau use करना चाहिए था rather than करना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ और किया नहीं तो करना चाहिए. ठीक है ना. क्लियर, क्योंकि यहाँ कोई लीनियर रिलेशनशिप हम लोग नहीं निकाल रहे, हम लोग एक्चुअल वैल्यूज नहीं चेक कर रहे, दैट्स द रीजन। तो एक काम करो, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में तुम लोग लिख दोगे फिर एक्सप्लेनेशन, यूज कर लो कीवर्ड्स, जैसा तुम लोग कीवर्ड्स लिख के रख सकते हो, एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, वी आर ओनली कंसिडरिंग द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द बाइवेरिएट डेटा, there are two data sets, right? We only want to check the monotonic relationship before and after the results. So that is why Kendall's tau is a suitable, Kendall's rank correlation is a suitable coefficient. Calculate tau, Kendall's tau. So, कौन सा function? Core function, ठीक है? Core approval before, अप्रूवल आफ्टर एंड क्या लिखोगे मेथड में? मेथड में कैंडल, वेरी गुड, एंड यू जस्ट रन दिस। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, नॉट क्लोज टू वन, है ना? नेक्स्ट बोल रहे हैं कमेंट ऑन द रिजल्ट्स इन पार्ट वन एंड थ्री। पार्ट वन में मीन हम लोग को दिख रहा था कि काफी डिफरेंट है, मीन एक्चुअली क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द रिजल्ट्स, एंड Kendall's tau भी हम लोग को वीक रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिखा रहा है बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर द इलेक्शंस वाला जो है। सो बेसिकली क्या सजेस्ट करते हैं, जो 15 वोटर्स है they have changed their political affiliation maybe after election, पहले वो maybe support कर रहे थे एक पार्टी को, but after the elections their support have shifted, maybe their opinions have changed, है ना? तो maybe their opinions have not been same after the elections, ये आपको बोलना है। You all can open the examiner's report and you all can just quickly read the answer. देखो, ठीक है, कैन क्विकली रीड द आंसर, बाद में टाइप कर लेना अपने एंड पे, कीवर्ड्स लिख के छोड़ दो। हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेज किया। मैम ये एक्सप्लेन कर दीजिए, और द शिफ्ट इन ओपिनियन हैज नॉट बीन द सेम अक्रॉस दो सर्वे। देखो इसका मीनिंग ये है ना, पहले मैंने अगर उसको रैंक दिया था, मैंने सपोज 3 बोला था, फिर बाद में मैंने उसको 1 कर दिया, सो इट हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट ना, वही चीज बोल रहे हैं कि मेरा रैंक हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट। नहीं क्लियर हुआ, रैंक कंसिस्टेंट नहीं है, पहले जो अप्रूवल था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते, सॉरी, नेक्स्ट बोल रहे हैं यूज द कमांड सेट डॉट सीड 2021 to initialize the random number generator. When you execute any R code in this question, make sure you run the entire R script, including the line set.seed at the start. तो इसको रन करेंगे, generate a sample size n equals 180 from an exponential distribution. चलो कर लो, बहुत ही सिंपल है। So answer to seed value डाल दिया पहले ही, इसको रन कर दिया। Then part one of the question is कौन सा function? REXP. REXP. If you all want to take n and lambda, starting में you can do that. N is 180 and मैं lambda की जगह L लिख रही हूँ as 5. So x में डाल देंगे, क्योंकि नहीं तो 150 values आ जाएंगे आपके, बहुत ही cumbersome हो जाते हैं वो चीज। तो इसको रन कर दो, सीड वैल्यू मेक श्योर यू आर रनिंग, इसका हेड चेक कर लेंगे सो दैट आवर आंसर्स मैचेस। अच्छा, ये पार्ट ए हो गया अपना, पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द सैंपल मीडियन ऑफ just give me a second. Calculate the sample median of the sample in part 1A. कैसे निकालेंगे median? Quantile. Median फंक्शन यूज करो, क्वांटाइल क्यों यूज करना है? सीधा क्वांटाइल भी कर सकते हैं, मीडियन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब एक फंक्शन है डेडिकेटेडली तो वो यूज करो। 0.1463199 मैच होना चाहिए बिकॉज हमने सबने सेम सीड वैल्यू किया है। नेक्स्ट इज यू कैनॉट वेस्ट टाइम इन द पार्ट्स विच आर वेरी सिंपल, फास्ट करना है। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये एक्चुअल मीडियन एक्सपोनेंशियल का निकालने बोला है। कौन सा फंक्शन? QEXP कैसे करेंगे? QEXP 0.5, 5 ये लैम्डा कॉमा लैम्डा एंड दिस इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। इसको इफ यू वांट यू कैन पुट दिस इन m मीडियन एक्चुअल मीडियन क्वांटाइल ऐसा करके डाल दो, ठीक है। तो दोनों आंसर्स आ गए। पार्ट डी बोल रहे हैं कमेंट, तो कमेंट में क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिख रहा है? वेरी सिमिलर, वेरी क्लोज आंसर दैट वी आर गेटिंग। इट्स सिमिलर बट नॉट इक्वल बिकॉज वी आर रनिंग अ सैंपल ऑफ, we are taking a sample of only 150. If we would have taken a higher number of sample size, so we would have got a closer answer. ठीक है? Part B में whatever we are getting is an estimator of the true median in part C based on the sample. If the sample size would have been higher, we would have got a better result. But यहाँ पे similar है. It's not equal but similar. पार्ट हाँ करेक्ट, मतलब पार्ट बी में जो निकाला इट्स एन एस्टिमेटर ना, ऐसे ही तो निकालते हैं एस्टिमेटर फॉर पार्ट ट्रू वैल्यू पार्ट सी। पार्ट सी इज द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट बोल रहा है द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स 1 बाय एक्स बार। एक्स बार इज द सैंपल मीन, ये हम लोग को पता है एमएमई से जो हम लोग करते हैं। एस्टिमेट द पैरामीटर लैम्डा यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर गिवन इन 1 का पार्ट ए। तब हम लोग को क्या करने बोले? वेरी सिंपल, आप लोग को लिखना है क्योंकि MLE बोला है, तो लिखो द पैरामीटर फॉर एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन द MLE इज द इनवर्स ऑफ द सैंपल मीन। द पैरामीटर ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर MLE इज व्हाट? 1 बाय मीन ऑफ एक्स, 1 बाय मीन सैंपल मीन, है ना। तो आपका एक्चुअल लैम्डा, मतलब लैम्डा हैट बोल दो या तो इसको लैम्डा हैट, ये साइन नहीं यूज करता, लैम्डा हैट कैन बी 1 बाय मीन ऑफ एक्स। एल हैट देख लो, वेरी क्लोज टू 5, नॉट एग्जैक्टली बट वेरी क्लोज टू 5। Hmm. Very close but not equal. Generate another sample of size n equals 180 from an exponential distribution with lambda 5 and estimate the lambda यूजिंग MLE एंड द न्यू सैंपल। अब बोले दूसरा सैंपल जनरेट करो ऑफ साइज 180 अगेन बट एंड उसका मीन निकालो, ठीक है। तो हम लोग दोबारा से करेंगे, देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो 1 बाय मीन, हाँ क्या बोल रहे सैम, क्या बोला डायरेक्टली REXP n, अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे वो L लेना है, सेम चीज करने बोला है बट विथ अ न्यू सैंपल 180। अच्छा वो पहले कितना था, 180 ही है, 180 ही है अभी भी, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है। अनदर सैंपल ऑफ सेम फ्रॉम, अब तुम सैंपल अगर अलग निकालेगा तो आंसर्स अलग आएंगे ना, तो इसको रन करो। अब देखो 5.25 आ रहा है। सो बेसिकली एक बार तुम्हारा 4.66 आया, एक बार तुम्हारा 5.25 आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कमेंट ऑन द वैल्यूज इन पार्ट 2A and 2B। सो ऑब्वियसली जितने बार आप सैंपल रन करोगे उतने बार आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। इट विल नॉट गिव यू सेम आइडेंटिकल आंसर, बट द टू एस्टिमेटेड वैल्यूज 4.6 and 5.2 is close to the true value of lambda, which is 5. So again we can say that your parameter lambda, which we have calculated, that is also not a fixed value. यहाँ पे है ना, it depends on the sample. अगर आपका sample change होगा तो आपका estimator भी change होगा, करेक्ट है, आपका एस्टिमेटर भी चेंज होगा, राइट, दैट इज व्हाट दे हैव आल्सो रिटन। देख लो, इसको रीड कर लो क्विकली, देन वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Ma'am, there is this line कि actual value of the estimate is a random variable, but we know that it's of the population the value is constant. What is constant? The value of the estimator. No, the value of the estimator is not constant since it depends on the sample. Your true value is constant. What do you mean by the true value? Five. True value is the actual lambda. That is constant. That is given. Ma'am, here it is that the actual value of the actual value of the estimator. Estimator is not the actual value. This is the actual value. This is the estimate. Estimator is the random variable. अच्छा आपने क्या सीखा है? आप लोग ने थ्योरी में लैम्डा हैट निकाला था, फिर लैम्डा स्विगल निकालते हो, निकालते हो कि नहीं, एंड क्या बोलते हो कि लैम्डा स्विगल फॉलोज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो वही बोल रहे स्विगल वाला पार्ट कि एस्टिमेटर इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द सैंपल। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंश्योरेंस मार्केटिंग टीम हैज डेवलप्ड अ न्यू लॉटरी दैट गिव्स ईच न्यू कस्टमर द चांस टू विन अ कैश प्राइज। द इंश्योरर स्टेट्स दैट any new customer can win with the probability of 0.36 independently of all the other customers. Let Y denote the number of winners in a random sample of 900 new customers. So 900 customers में से let Y be the number of winners. और जीतने का probability क्या है? 0.36. ठीक है, और जीतने पे क्या मिलेगा? Cash prize. State a suitable distribution for the random variable Y. Obviously क्या लिखोगे? Binomial. Binomial. वेरी गुड, लिखो, वेरी इजी पेपर। लिखो द सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई कैन बी बाइनोमियल विथ क्या? बाइनोमियल, बाइनोमियल 900, 0.36। कैलकुलेट 2 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जब ये 4 डेसिमल प्लेसेस बोल दिया ना, हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? राउंड। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बोलो आर्यन? कौन सा यूज करेंगे? मेरे को यहाँ ऑनलाइन तो मिल गया आंसर। राउंड फंक्शन भाई, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बाय बिटवीन k प्लस 20 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ 20। तो क्या करना होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k? k में सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू वैल्यू स्टोर कर देंगे। बोलो, p बाइनॉम से निकाल लेंगे। p बाइनॉम यूज करना है पहले, तो ये हम लोग को क्लियर है, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट वैल्यूज, तो n पहले तो तुम लोग सारा पैरामीटर्स ले लो। जैसे अपना हो गया n क्या हो गया 900, p क्या हो गया 0.36, ये दोनों अपना हो गया। अब इसके k के सारे वैल्यूज ले लो। k के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब इन दोनों में क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। 220 से स्टार्ट हो रहा है, सो 220 और 240 के बीच का, फिर 240 और 260 के बीच का, एंड सो ऑन। सो 220 240 ऐसे सारा वैल्यूज होगा ना। तो k का क्या वैल्यूज पॉसिबल है? सीक्वेंस ऑफ 220,400,20, सीक्वेंस ऑफ 220,240, बाय मैम 400 नहीं रहेगा, हाँ सॉरी 400 होगा, मैंने भूल से लिख दिया, 20 है बाय 20। एक बार इसको ना रन करके वेरीफाई कर लेना कि सब वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दस होगा नहीं, एक और वैल्यू लेना होगा ना। 440 420 कौन लेगा? नहीं, 400 से 420 है ना, पर ये k का दिया है। हम लोग k प्लस 20 को भी तो कंसिडर करेंगे, क्योंकि p बाइनोम में तो डालना ही पड़ेगा। सो दिस हैज टू बी 420, ये ध्यान रखो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी क्यों? क्योंकि 400 से 420 के बीच का आपको निकालना है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो अब बताओ हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन, जो भी गिवन आपका CDF है। p बाइनॉम 220, ये k है, 220 और 240 के बीच में, समझा। तो p बाइनॉम कैसे करेंगे बोलो? पहले p बाइनॉम k प्लस 20 लिख रहे हो क्या तुम लोग? And then we'll subtract p binom of k. Then you take 400 only if you are doing that way. उसी के हिसाब से बताया था। अच्छा ठीक है, तो अगर उस हिसाब से करना है then you take this, वरना मैं क्या सोच रही थी k का अपने इंडेक्सिंग करके then we'll have to run a loop actually. तो ठीक है, that's not run a loop। तो एक काम करो, तुम लोग जो बोल रहे हो वैसे ही करते हैं, 220 से 400 कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 20 कॉमा n कॉमा p माइनस p बाइनॉम k कॉमा n कॉमा p। अब यहाँ एक और दिक्कत है, आपका लेस देन इक्वल टू बोला है कि क्या बोला है? अच्छा नहीं, ये सही है फिर तो, क्योंकि ये वाला हम लोग ये वाला लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, है कि नहीं। ये k प्लस 20 चाहिए और ये k नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू नहीं किया इन्होंने, तब ये ठीक है। अब इसको रन करो एंड लेट्स चेक द आंसर्स इफ इट्स मैचिंग। 4 डेसिमल प्लेसेस भी बोला है, सो वील राउंड दिस डाउन, सो लेट्स पुट इट इन मे बी अनदर दिस थिंग, probability round of CDF to 4 decimals। ये एक है, नहीं तो वहां पे हम लोग का 2 मार्क्स या 1 मार्क डिडक्ट हो जाता मे बी। सो लेट्स चेक PB, पहला 0 आ रहा है, 0 0.0011। एक बार चेक कर लो सारे आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तुम फिर वो करता नहीं, कंटिन्यूटी करेक्शन क्यों करेगा? अगर ये नहीं होता तो तुम एक कम ले लेता ना, -1 कर देता, हाँ k+19 होता, इसीलिए इन लोगों ने कंफ्यूजन नहीं किया ना, इन्होंने ऐसे ही स्ट्रेट अवे किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चेक हो गया आपका स्किल। नेक्स्ट, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इफ यू कैन डू दिस इन मल्टीपल वेज, ऐसा नहीं है कि यू हैव अ सेट पैटर्न ऑफ डूइंग इट, आप इसको कैसे अपने तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस। It is suggested that the true distribution of y can be approximated with a normal distribution with expectation of this and the standard deviation of this. तो ये आपका standard deviation दिया हुआ है और ये आपका expectation दिया हुआ है, ठीक है। Calculate to 4 decimal places the probability for all the values of k based on suggested normal distribution. अब हम लोग को सेम चीज करना है, बट नाउ विथ वॉट, कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन तो करेंगे ही, एंड नॉर्मल पी नॉर्म, करेक्ट, पी नॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो बताओ कि म्यू एंड एस डी क्या होगा। म्यू विल बी 324, कैसे, एन इंटू पी, बोलो, ये आपका म्यू है। एस डी क्या होगा, एन इंटू पी इंटू क्यू, नहीं हम लोग का कुछ है 1 - p, नहीं इसका स्क्वायर रूट करना होगा अपने को। एस डी लिख रहे हो ना, जैसे डायरेक्टली दे रखा है हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, नहीं गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं क्लास करवा रही हूँ ना, वरना आप एग्जामिनर्स रिपोर्ट से ही पढ़ लेते, ठीक है। 14.4 एंड 324 हो गया। अब इसका निकालते हैं CDF1, सेम आएगा ऑलमोस्ट। एक बार मैं इसको कॉपी करती हूँ खाली, तो मैं नहीं, इसको कॉपी करने से फिर दिक्कत होगा। पी नॉर्म ही लिखते हैं। पी नॉर्म में क्या लिखेंगे, के प्लस 20.5, वेरी गुड, प्लस 20.5 हो जाएगा ये। आई गेस इन्होंने नहीं किया है, किया है कि नहीं पता नहीं, बट करना पड़ेगा। म्यू कॉमा एस डी माइनस क्या हो जाएगा, के प्लस 0.5, क्या होगा बोल, वेरी गुड, के प्लस 0.5 कॉमा म्यू कॉमा एस डी, ठीक है ना। तो क्योंकि 20 के प्लस 20 को इंक्लूड करना है, इसीलिए 20.5, एंड के को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इसीलिए k.5 माइनस करें। अगर इंक्लूड करना होता तो माइनस के माइनस 0.5, हाँ, क्योंकि अगर k इंक्लूड करना होता तो, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि अगर इंक्लूड करना होता तो तुम यहाँ पे k-1 करता इधर भी, इसीलिए। तो अब हम लोग को इसको वापस से राउंड करना है, सो आई विल टेक दिस PB1 CDF1 एंड PB1, देख लो ये सब 0 है mostly. Plot the values in 2 and 3 on the same graph. तो कैसा प्लॉट करेंगे, स्टेप ग्राफ। 2 and 3 दोनों बोला ना, यू मे फाइंड लाइन्स सूटेबल, ठीक है वो तो ठीक है, पहले प्लॉट फंक्शन यूज करना होगा। तो प्लॉट में सबसे पहले क्या डालेंगे, के सारे वैल्यूज, एक सेकेंड रुको, तो हाँ ठीक है। फिर पीबी डालना है, बोथ कर देते हैं लाइन एंड पॉइंट। एक बार रन करते हैं, देखो ये आ रहा है। आप लोग एक्स लैब में डालोगे, के डाला वही है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं एंड दोबारा से रन करते हैं। के का कुछ गड़बड़ हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, एक्चुअली वैल्यूज नहीं आ रहे ना, इसीलिए 300 350 250 क्यों आ रहा है। आई गेस ऐसे ही आएगा, सोल्यूशन में भी समवट यही है। फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ग्राफ को, तो इट्स फाइन, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग को सुपर इम्पोज करना है दूसरा वाला मैम बी, बिकॉज लाइन एंड डॉट्स मुझे दोनों चाहिए, लाइन एंड पॉइंट्स, इसलिए मैंने बी यूज किया है। यूजुअली अपने जब सीडीएफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तुम लोग इसमें दे देना एक्स लैब, दे देना के, वाई लैब दे देना प्रोबेबिलिटी, एंड टाइटल दे देना सीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल या बाइनोमियल जो भी। एंड ये हो जाएगा अपना अगेन पीबी वन, टाइप अगेन अपने बी दे देते हैं, एंड इसका कलर दे दो रेड। अच्छा टाइप भी होता नहीं है कुछ उसमें आई गेस, नहीं कलर मैम लाइन नहीं, लाइन्स है। अच्छा हाँ सॉरी, लाइन्स होगा ना, टाइप भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ गया पूरा, तो ये दिख नहीं रहा इसका। मैं LWD2 करूं एक बार, पूरा ही सेम आ रहा है। तो इससे बोला है क्या कमेंट करने क्वेश्चन में, डिस्कस योर आंसर्स इन पार्ट्स 1 से लेके पूरा 4 तक। तो 1 में हमने क्या निकाला था, सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बोला कि बाइनोमियल होगा, उसको हमने अप्रोक्सीमेट, फिर हमने उसका प्रोबेबिलिटीज निकाला, फिर हमने उसका अप्रोक्सीमेशन लिया, एंड हमने अप्रोक्सीमेशन ये ले लिया। नाउ हमारा 600 वैल्यूज, 900 है ना, बाइनोमियल 900 कॉमा कुछ था, सो 900 इज अ वेरी बिग नंबर। सो देयरफॉर यूजिंग CLT, you when we have approximated it using normal distribution, it gives us a very good result. देखो एकदम सेम आया ना CDFs, so we can say the reason is that CLT, since the binomial distribution is a distribution of n independent random numbers, यहाँ पे n is 900, which is a very huge number, and so यहाँ पे the approximation works really well because n is very high. So we have just taken two moments, आपका 324 and this, and it gives a good approximation as per the graph as well. Clear? देखो P is close to 0.5. Very good. That is also one thing that P is also very close. P is close to 0.5. 0.36 है. I will say not very close. तो वो point मुझे सही नहीं लग रहा मुस्कान. 0.36 and 0.5 में difference है यार. 0.46 होता तो आप बोल सकते थे. No, let's not. 900 itself. 900 into 0.36 करने से ही आपका 324 आ रहा है. हम लोग बोलते हैं NP should be greater than 30. तो NP ग्रेटर देन 30 बहुत ज्यादा है, 324 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्चुअल मॉडुलर इन अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ GLM टू एनालाइज क्लेम नंबर्स फॉर इट्स क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज. For every policy over the past year, the company has collected the number of reported claims and the data on the following covariates. क्लेम नंबर के लिए देखो क्या दिया है, एज दिया है, जेंडर दिया है, रीजन दिया है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन दिया हुआ है. तो एज इज एनी नंबर बिटवीन 18 to 80, मेल फीमेल. डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन वेयर द पॉलिसी होल्डर विल लिव एंड एनी कंडीशन, no for 0 for no and 1 for yes. The data given in the file, इसको हम लोग import कर लेंगे. R data है. Shows the past years reported claims for critical illness policy. ठीक है, critical illness policy है. After loading the data into R, the data frame, in data frame हम लोग को data claims करना है. With its variables are listed below available. The modeler wants to fit a GLM with the claim number as the response variable and is deciding whether to fit the GLM using Poisson or normal. सबसे पहले let's use the load function and इसको मैं एक बार हटा रही हूँ, इसको load कर लेते हैं. चलो तुम लोग भी load करो, तब तक कर लिया. कौन सा डेटा है ये, ना ये भी यूज होगा, दोनों को ही ले जाते हैं इसमें. कंट्रोल शिफ्ट सी. देखो सब आ गया. डेटा क्लेम्स अगर हम लोग व्यू करें तो आईडी है सबका. देयर आर 5000 एंट्रीज, 5000 रोज है. एज दिया हुआ है सबका, जेंडर, रीजन कहाँ रहते हैं, साउथ मिडलैंड्स जो मेरे को दिख रहा है ऊपर, नॉर्थ दिखा. उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन विल बी 0 and 1 एंड क्लेम नंबर, कितना क्लेम्स उसने लिया है, 0, 1, 2 वट एवर. ठीक है, अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं देखो. फिट अ जीएलएम यूजिंग नॉर्मल. अच्छा क्या बोले, एज द रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड वो डिसाइड करे वेदर पॉइजन फैमिली ले कि नॉर्मल फैमिली ले. तो फिट अ जीएलएम यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट ट्रीट्स एज एज द न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड द रिमेनिंग एज द फैक्टर वेरिएबल्स. जैसे अपने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, रीजन, जेंडर हो जाएगा फैक्टर वेरिएबल एंड मॉडल जी में डालना है. योर आंसर शुड इंक्लूड एस्टिमेटेड वैल्यू, बीटा जो होता है स्टैंडर्ड, बेसिकली पूरा समरी. ठीक है, तो मॉडल जी बना लो. मॉडल जी बना लो. जीएलएम क्या होगा, क्लेम नंबर, टिल्ट, एज. खाली चेक कर लेना कि ये एज अ फैक्टर इंपोर्ट हुआ है कि नहीं. नाउ एज आई कैन सी कि इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो एज अ इंटीजर आया है, वेर एज योर जेंडर फैक्टर वेरिएबल आया है, रीजन भी फैक्टर वेरिएबल आया है. तो आपको इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग. समझ रहे हो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स डू वन थिंग, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को हम लोग एज डॉट फैक्टर कर देते हैं प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन. तो अब देखो, अब ये भी फैक्टर वेरिएबल हो गया. फैक्टर फैक्टर फैक्टर, आईडी से मतलब नहीं है. एज को इंटीजर ही लेने बोला है इन्होंने, ये भी इंटीजर. ठीक है, तो एज हो गया प्लस रीजन प्लस क्या है, और जेंडर प्लस प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस एंड देन यू कैन राइट फैमिली. नॉर्मल बोला है ना, तो अभी के लिए हम लोग गॉसियन लेंगे. ठीक है, लिंक आइडेंटिटी लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी वो उसको वही पकड़ेगा. अब अपने समरी रन करते हैं इसका, मॉडल जी का. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. ये पूरा आउटपुट आपको पेस्ट करना होगा. देखो एस्टिमेट्स है, स्टैंडर्ड एरर्स है, पी वैल्यू. इसको करो. I'll just टाइप क्यों करना है, कुछ नहीं है, बस वही है फैक्टर, as dot factor. Next follow fit a GLM using Poisson distribution that treats age as a numeric variable and remaining as factors. अब हम लोग को Poisson करना है सेम चीज के साथ. So I'll just copy this and इधर हो जाएगा and ये हो जाएगा P and summary of निकाला था ना मॉडल अंडरस्कोर दिस इज पार्ट ए. जस्टिफाई योर आंसर शुड, ठीक है, जस्टिफाई विच मॉडल शुड बी यूज्ड. तो AIC देखते हैं अपने. चलो AIC इसमें आ रहा है 2252, ऊपर वाले में आ रहा है तो 2252 वाला कम है. सो वी शुड गो विथ व्हाट. आप एक काम कर सकते हो AIC ऑफ मॉडल G कर सकते हो. AIC कैपिटल्स में होता है क्या? हाँ, मॉडल P. तो दोनों का आप बोल सकते हो अब कि मॉडल विथ पॉइजन gives you better result as the AIC is lower. मैम मेरा AIC डिफरेंट आ रहा है. मतलब 340.2.352 आ रहा है. फैक्टर नहीं किया एज डॉट फैक्टर. चेक करो किया है कि नहीं. कमेंट ऑन द डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्लेम्स बेस्ड ऑन योर आंसर. तो इसमें हम लोग को इन आंसर 2A एंड 2B. तो 2B मतलब कि अकॉर्डिंग टू पॉइजन हमें करने बोला है. तो हम लोग क्या देखेंगे कि पॉइजन अगर हम लोग मॉडल ले रहे हैं तो प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल कंडीशन का P वैल्यू आपका लेस देन 5% आ रहा है. हेंस इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लेम नंबर. एंड कैसा इम्पैक्ट है? पॉजिटिव. देख लो बीटा का वैल्यू 1.5 है. मतलब इफ एनी प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल कंडीशन इज देयर, 0 1 है ना, अगर 1 होगा तो द नंबर ऑफ क्लेम विल बिलो इंक्रीज. सो देयर इज अ पॉजिटिव डिपेंडेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड नंबर ऑफ क्लेम. अगर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है मेडिकल कंडीशन तो नंबर ऑफ क्लेम विल इंक्रीज. क्यों? पहले तो P वैल्यू चेक किया सिग्निफिकेंट है और फिर बीटा वैल्यू चेक किया पॉजिटिव है. नेक्स्ट बोला है द मॉडलर हैज फिटेड द GLM यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ वांट्स टू इन्वेस्टिगेट which of the three factors should be selected in the model by using a method similar to the backward selection approach. The following models are considered. अब हम लोग को क्या बोला है देखो P2 कि हम लोग को अलग अलग मॉडल्स बनाने हैं. Compare the values of AIC of the 4 models. तो पहले 4 मॉडल्स बनाना है, ठीक है, एंड उसके बाद उसका AIC निकालना है. तो क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टिगेट विच ऑफ द 3 फैक्टर्स should be selected back should be selected by using a method similar to backward selection approach. में क्या होता है, we start with everything and एक एक करके निकालते जाते हैं. तो सबसे पहले आपको P2 बनाना है जहां पे आप जेंडर को हटा दोगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है? अपडेट फंक्शन यूज करना है, आई थिंक इजी रहेगा, या फिर ये भी यूज कर सकते हो, बट अपडेट करना दिखने में सही रहता है अपडेट. तो इट्स ऑन यू, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, तो मॉडल P2 बनाना है हमें. आप GLM वाला भी यूज कर सकते हो, आप जेंडर हटा सकते हो उसमें से, बाकी सब रख सकते हो, अपडेट भी कर सकते हैं. अपडेट करना पड़ेगा मॉडल P को. कैसे करेंगे? कॉमा टिल्ट डॉट माइनस जेंडर. हम कॉमा के बाद डॉट टिल्ट डॉट होता है ना? नहीं. यस मैम, डॉट टिल्ट. यस मैम, ये दो से आंसर आ रहा है. सेम चीज होता है, सेम आंसर आएगा. ओके, ठीक है, ये करो. और इसका फिर इन्होंने AIC भी एक्सट्रैक्ट करने बोला, तो AIC अपने तीनों का साथ में भी कर सकते हैं. या तो आप समरी फंक्शन करके कर सकते हो, या AIC फंक्शन करके कर सकते हो, डजंट मैटर. तो आप कैसे भी कर सकते हो, साथ में करेंगे. उसके बाद P3 है क्या? P3 में क्या करने बोला है? रिमूव जेंडर एंड दिस बोथ. तो अपने इसको P2 कर दें, P2 से माइनस प्री एग्जिस्टिंग एंड लास्टली P4 में से रीजन भी निकालने बोल दिया है. AIC तीनों का निकालना पड़ेगा. पहले तो मॉडल P का निकालते हैं ताकि कंपैरिजन में इजी रहे. आप समरी फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो, समरी मॉडल एड डॉलर साइन यूज करके भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू. अरे एक बार देखो तो सबसे लोएस्ट आ रहा है किसमें? मॉडल 2 में, जहां हमने क्या हटाया? जेंडर. एंड अगर हम ऊपर जाके देखें तो जेंडर वाज नॉट सिग्निफिकेंट, तो दैट इज व्हाई रिमूविंग जेंडर. बाकी सब सिग्निफिकेंट थे. सिमिल मॉडल 2 और मॉडल 3? नहीं, तुम कुछ गलत किया. देखो अच्छे से, चेक करो. इसीलिए टैब यूज करना चाहिए rather than स्पेस देके लिखता ना. आया सबका? तो बेसिकली इसमें हम लोग को कमेंट करने कुछ बोला नहीं है, बट हम लोग खाली ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू AIC द लोएस्ट AIC वी गेट इन मॉडल T2 विच इज बेसिकली विदाउट जेंडर. ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है कमेंट. अच्छा कमेंट बोला ही है तो बोलेंगे रिमूविंग जेंडर. देखो कंपेयर करना है तो अपने मेन मॉडल से कंपेयर करते हैं. ठीक है, मेन मॉडल से सबको कंपेयर करते हैं. तो बोला है कि जब हम लोग जेंडर रिमूव करें तो हम लोग का अराउंड 2 के अराउंड डिक्रीज हो रहा है, 2.4 के अराउंड डिक्रीज हो रहा है किसमें? AIC में. ठीक है, उसके बाद जब आप क्या हटा रहे थे हम लोग P3 में? प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन. तो जब हम लोग प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हटा रहे हैं तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेट 100 समथिंग का इंक्रीज आ जाएगा. ठीक है, 180 के अराउंड आई गेस, तो उतना का इंक्रीज आ गया. एंड अगेन जब हम लोग जेंडर, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड रीजन तीनों हटा देंगे तो अगर इससे आप कंपेयर करो समवेयर 400-360 के अराउंड का इंक्रीज आ रहा है. सो दिस सजेस्ट व्हाट? दिस सजेस्ट दैट वी शुड सिलेक्ट रीजन एंड प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एंड शुड नॉट रिमूव दीज टू फ्रॉम द मॉडल. ठीक है, ये हो गया पार्ट ए. पार्ट बी में क्या बोल रहा है? कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस इन पार्ट 3 एंड फुल बैकवर्ड सिलेक्शन मेथड. अब ये जो था ये फुल बैकवर्ड सिलेक्शन मॉडल नहीं था. फुल बैकवर्ड सिलेक्शन मॉडल में यू स्टार्ट विद द फुल मॉडल विच इंक्लूड्स ऑल द इंटरैक्शन टर्म्स एज वेल एंड देन यू वन बाय वन रिमूव दोज टर्म्स विच आर इनसिग्निफिकेंट. बट यहाँ पे वी स्टार्टेड विद अ मॉडल विच वॉज नॉट अ फुल मॉडल एंड देन वी रिमूव्ड वन बाय वन दोज पार्ट्स विच वर नॉट सिग्निफिकेंट. सो ये आपका डिफरेंस है. ठीक है, कि ईच स्टेज में हम लोग वन बाय वन हटाते हैं, कुछ इंक्लूड नहीं करते. एंड वी स्टार्ट विद अ फुल मॉडल जो कि यहाँ पे नहीं है. हाँ बोलो इफ एंड क्या डाउट है? पूछो पूछो मुस्कान. मैम एग्जामिनर रिपोर्ट में जो उन्होंने टेबल प्रोवाइड किया है AIC एंड चेंज का, वो समझाने के लिए क्या आप नहीं बना पाओगे उसको इसमें? ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं? द मॉडलर सजेस्ट रिफाइनिंग द फिटेड GLM बाय आल्सो इंक्लूडिंग द इंटरैक्शंस एज, रीजन एंड प्री एग्जिस्टिंग. अब बोल रहे हैं रिफाइंड मॉडल बनाओ जिसमें इन सबका इंटरैक्शन भी आप डाल सकते हैं. Fit an appropriate model to include the interactions between variables age, region and pre-existing conditions. तो क्या क्या सुन लो? तीनों मेन इफेक्ट टर्म्स आएंगे, एज का रीजन के साथ, एज का हेल्थ के साथ, रीजन का हेल्थ के साथ. और जितने भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे क्या इंटरैक्शंस? डबल इंटरैक्शंस. एज कंडीशन, एज रीजन और 3 बनेंगे आई थिंक. 6 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे और 1 बनेगा जो तीनों का इंटरैक्शन होगा. सो कैन यू स्ट्रेट अवे यूज A*B*C उसे अपने आप A+B+C+AB+AC+BC वो 3 +ABC तीनों आ जाता है. तो स्टार वाला यूज करेंगे, क्यों इतना झमेला करना है हमें, है ना? तो ये करते हैं. और क्या बोला है? अच्छा जेंडर हटाने बोला है कि नहीं ये श्योर नहीं है. क्या करेंगे बताओ? जेंडर रखेंगे क्योंकि ये बोला है कि इंक्लूड करने. ये नहीं बोला कि आप जेंडर हटा दो, ऐसा नहीं बोला कि जेंडर हटा दो, है ना? तो हम लोग जेंडर रखेंगे. सो लेट्स मेक अ न्यू मॉडल. आई विल कॉपी दिस. हाँ P में ऑलरेडी जेंडर है. P को ही एडजस्ट करने बोला है, P2 को एडजस्ट करने नहीं बोला है. अगर P2 को एडजस्ट करने बोलता है तो सोचते ना. P को रिफाइंड करने बोला है. सो दिस एंड इसमें हम लोग अंडरस्कोर करके रिफाइंड कर देंगे. ये हो गया एज, एज एज स्टार रीजन एंड ये वाला जो है इसको अपने इधर डाल देते हैं, देख लो। तो जेंडर भी रखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोला है रिफाइन करो मॉडल पी को, P2 को रिफाइन करने नहीं बोला है। ठीक है, बस अब इसको रन करो एंड इसका समरी निकाल लो। तो AIC मॉडल P का AIC क्या था 2252 और इसका है 2225 2223 और उसका क्या था 2252। तो 30 के राउंड का डिक्रीज हुआ है ना AIC में। एंड इसमें से क्या क्या अगर हम लोग देखिए सिग्निफिकेंट है, देखो कितने सारे आ रहे हैं, देखो एज, फिर रीजन का अलग मेन इफेक्ट टर्म, इसका ये तीन हो गया अपना मेन इफेक्ट, चार हो गया मेन इफेक्ट टर्म्स, फिर एज रीजन, एज एग्जिस्टिंग कंडीशन, रीजन कंडीशन, एज रीजन एंड कंडीशन, ऐसा करके इतना सारा आ गया। ये सारा सिग्निफिकेंट है, बाकी सारा इनसिग्निफिकेंट। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जस्टिफाई वेदर द रिफाइंड मॉडल इंप्रूव्स। तो हम लोग ऑब्वियसली दोनों का AIC कंपेयर कर देंगे, तुम लोग निकाल लेना AIC ऑफ मॉडल लोअर है कि नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, मतलब क्या है, कमेंट करो। तो हम लोग देखते हैं कि AIC ऑफ द न्यू मॉडल रिफाइंड मॉडल इज 22223.7 which is lower than the AIC of the original model P. Hence we can say that the refinement is the improved model. फिर बोले comment on whether any of the interactions are significantly associated with the claim numbers. So any interaction term can we see? इसमें से देखो कोई भी आपका interaction term आ रहा है, मेरे को नहीं लगता significant है, ये वाला है age and existing condition वाला। तो आप लोग बोलोगे any term, any interaction term whose p value is less than 5, room 2, whose p value is less than 5% will be considered as significant. Here we can see that the interaction of age and pre-existing health condition is significant. This is the only interaction which is significant and has a significant impact on the number of claims. बाकी सब में देख लो, सब भी हम स्टार मार्क से समझते हैं, अगर स्टार मार्क नहीं है मतलब वो 5% से बड़ा है। देख लो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो चीज को, उतना उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जितना ज्यादा स्टार मार्क्स मतलब उतना ज्यादा क्लोजर टू 0 करेक्ट। 1 स्टार मार्क मतलब 5% सिग्निफिकेंस, देखो ना 1 स्टार मार्क का 5% सिग्निफिकेंस होता है, डॉट का 10% सिग्निफिकेंस होता है, स्पेस का 10% से भी ज्यादा मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट बेसिकली। उसके बाद 2 स्टार मार्क इज 1%, 3 स्टार मार्क इज 0.1% वैसे। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हो गया तो अब क्या कमेंट करेगा, कमेंट कर दिया हमने, इंटरैक्शन वाला ही तो किया कमेंट। अब नेक्स्ट बोला है एन एनालिस्ट कलेक्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सब लोग ऑल ऑफ यू और इंपोर्ट कर लो डेटा। An analyst collected samples of the prices of 25 one-bedroom flats in each of the 2 cities. The data from these 2 samples are saved in the file one-bed flat. माने उसने one-bedroom flat 25 flats का collect किया in 2 different cities. After loading the data in R, ये वाला अपना data frame रहेगा with the variable city 1 and city 2 के prices. 2 samples are from normal distribution with ये वाला मार्क कर लो। This is actually a difficult question. हाँ वो सब ठीक है, but ये वाला पूरा जो question है थोड़ा difficult as in इस point से है कि इसमें आपका जो भी basic एकदम आपका जो level of understanding है normal distribution related, आपका जो test है 2-3 tests, उसका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आई फर्स्ट बिफोर मूविंग अहेड विल take the data, Control Shift C. ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं, वहां से हटा देना बस। अरे क्या हो रही है? बहुत क्लमजी हो गया, रुको। ठीक है, सिटी वन सिटी टू आ रहे 25 फ्लैट्स का बोला है, दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, दोनों के वेरिएंसेस इक्वल हैं, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, याद रखना। कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन्स इन द टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशंस यूजिंग दीज डेटा। तो जब आपको बोल दिया है कि इक्वल वेरिएंस है और हम लोग को मीन टेस्ट करना है, तो कौन सा, एंड पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट गिवन, तो कौन सा टेस्ट मीन के लिए? हाँ, टी डॉट टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, करते हैं। सो वील डू टी डॉट टेस्ट, एक बार देख लो, तो करो यहाँ पे टी डॉट टू सैंपल टी टेस्ट करना है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे सिटी वन कॉमा सिटी टू। एक चीज इसमें ध्यान देना, देर इज समथिंग कॉल्ड एज var डॉट इक्वल एज फॉल्स, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ट्रू होगा, दिया हुए क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने मार्क कराया। जब भी कुछ अलग आपको दिखे ना, और जब भी आपको स्पेसिफिकली काई स्क्वायर डॉट टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब एक बार काम किया करो खाली हेल्प टैब में, आपको पता है। बट क्यों हेल्प टैब खोलने बोलती हूँ, क्योंकि कभी ना ये पैरामीटर्स आपसे स्किप हो सकते हैं, जैसे कॉन्फ लेवल, पेड, ये दोनों नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल, ऑल्टरनेटिव, ये दोनों फिर भी आप यूज कर लेते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेड डेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम var डॉट इक्वल, ये दोनों मिस हो जाते हैं। यहाँ पे इट्स नॉट पेड, ठीक है, वो वाला चीज सही है, बट दिस इज ट्रू, तो इसको आप ट्रू करोगे, रन करो, एंड दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स माइनस 6 वाला, एंड देव आस्क्ड अस टू एक्सट्रैक्ट दिस, तो आप डॉलर, आई थिंक डॉलर क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा, इसको डाल देते हैं ना टेस्ट में, टेस्ट डॉलर स्टैटिस्टिक होता है, टी स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये आपका टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू आ गया, देख लो -6.01। कौन सा डेटा इंपोर्ट किया है? नेक्स्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर द मीन फ्लैट प्राइसेस आर द सेम इन द टू सिटीज अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव दैट दे आर डिफरेंट। तो अब अगर हम लोग को बोला है टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करके, यहां तो हमें पी वैल्यू दिख रहा है कि इट इज लेस देन 0%, सॉरी इट इज लेस देन 5%, so we can say that we have what, अच्छा 1% बोले, तो ये 1% से भी तो कम ही है, तो हम लोग बोलेंगे we reject the null hypothesis and the mean prices of the flats are not same in the two cities, but use करने बोला है किसको, पार्ट 1 में, एंड पार्ट 1 में क्या निकाला है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाला है ना, तो हम लोग को कौन सा टेस्ट यूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इधर डायरेक्टली नहीं कर सकते पी वैल्यू यूज करके, बोलो जल्दी। हाँ, पीटी टीएस, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 48 कैसे होता है, N1 + N2 -2, तो तुम लोग वो भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ सिटी 1 प्लस लेंथ ऑफ सिटी 2 माइनस 2 भी कर सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, मैं एक बार ऐसे कर रही हूँ, बट आप लोग नाउ सिंस इट्स अ टू साइडेड टेस्ट, तो इनटू 2 करना होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देख लो सेम आंसर दे रहे, ये वाला ऑलमोस्ट, एंड ये वाला इन्होंने शायद इनटू 2 नहीं किया होगा, वी आर गेटिंग अ वैल्यू, तो आप लोग कमेंट करोगे, वी आर गेटिंग अ वैल्यू विच इज लेस देन, वी आर गेटिंग a value which is less than 1%. Hence, we have sufficient evidence to reject the null hypothesis, and we can state that the flat prices are not the same in the two cities. Ma'am, can you say how to compare with p-value? Like I'm quite confused. कौन था ये? रंजन. p-value 5% से अगर ज्यादा है तो आप क्या करते हो? Insufficient evidence to reject the null hypothesis, and आपका null hypothesis पास हो जाता है. जो 5% से कम है तो नहीं, अब यहाँ 1% लेवल पे बोला तो आपको 1% से कंपेयर करना है. टू साइडेड टेस्ट है तो इंटू टू करते हैं. अगर ग्रेटर देन टेस्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं. अगर लेस देन होता है तो लेस देन. जो आप ये टेस्ट डायरेक्टली पास करते हो तो आपको पी वैल्यू डायरेक्टली आता है. गॉट इट? ओके, बट फिर मतलब 1% से कम है, मतलब 1% की वैल्यू 1% ही कंसीडर होती है, उसकी कुछ वैल्यू रहती है? मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, नहीं समझ में आया इसका मतलब. मुझे कंपैरिजन नहीं समझ रहा है जब लाइक रिजेक्ट करते टाइम. मतलब ये समझा कि जब लेस रहे तो रिजेक्ट हो जाता है और ग्रेटर रहे तो नहीं होता. बट कंपेयर मतलब कौन सी दो वैल्यू कंपेयर होती है? जब आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालते हो तो आप इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे? 1% से. हाँ, क्योंकि ये टू साइडेड टेस्ट था इसीलिए हमने इंटू टू किया और इसको 1% से कंपेयर किया. नाउ 1% से ये कम है तो रिजेक्ट. एक होता है जो आप डायग्राम बनाते हो, आप क्रिटिकल वैल्यू देखते हो एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते हो. अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल वैल्यू के अंदर है, अंदर साइड में, तो एक्सेप्ट होगा, बाहर तरफ में तो रिजेक्ट होगा, ये ना. तो अब यहाँ पे आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स -6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप क्रिटिकल वैल्यू का निकाल रहे हैं. तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलता है? कौन सा फंक्शन? मेरे को चाहिए इधर पे, मेरे को 0.5% का क्रिटिकल वैल्यू चाहिए बिकॉज इट्स अ टू साइडेड टेस्ट. तो कौन सा फंक्शन से निकलेगा क्रिटिकल वैल्यू? क्विकली बोलो. क्यूटी. कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्यूटी. तो 0.005, क्योंकि 0.5% पे चाहिए मेरे को क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपना हो जाएगा 48. तो ये आपका -2 आया क्रिटिकल वैल्यू. अब -6 -2 के रिजेक्शन रीजन में है ना. रिजेक्शन रीजन में तो यू रिजेक्ट. तो ऐसे कंपेयर होता है. जब आप प्रोबेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो तो वैसे करोगे. जब आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर करो तो आप ऐसे करोगे. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है ना? डायग्राम बना लो एंड फिर समझो तो इजी रहेगा. पी वैल्यू शुड बी इफ ग्रेटर देन 5%, देन यू एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट. योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इफ इन द एक्सेप्टेंस रीजन. टू साइडेड टेस्ट है तो दोनों, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है. वन साइडेड में आप खाली एक साइड. अगर वन साइडेड होता तो आप 1% वैल्यू पे निकालते. ओके, यस, थैंक यू. नहीं, क्वेश्चन में पी वैल्यू यूज करने कर सकते थे. हाँ, कर सकते हो, दोनों अप्रोचेस कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करके निकालने बोला है. कहीं नहीं बोला कि पी वैल्यू निकालो और बताओ. तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है. आई फील समहाउ ये समझाने में थोड़ा ट्रिकी होता है, या आप इजीली समझा सकते हो, इसीलिए मुझे वो बेटर लगता है. मैम मतलब बेसिकली यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू -6.01 है और पी वैल्यू 2.41, सो इट इज लेस एंड सो वी रिजेक्ट इट. पी वैल्यू नहीं, वापस से बोलो. पी वैल्यू 2.415. This is -0.07, मतलब this is 0.00002414 वैसा पूरा. हाँ, एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज -6.01. हाँ, which is less, and so we reach. किससे कम? ना 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 ना, आप समझ, you are comparing p value with the test statistics. गलत. p value को compare करो probability value से, which is 1% significance level से, and test statistics को compare करो critical value से, which is this -2.6. Okay. दो अलग चीज को कैसे compare कर सकते हो? Probability and मतलब प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करोगे ना. ये पता है आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि जब आप लोग लिख के नहीं बनाते हो, आप लोग थोड़ा डायग्राम बनाओ. आप लोग एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसा टी डिस्ट्रीब्यूशन से मैट्रिक होता है ऐसा बनाओ, ठीक है. ये आपका क्रिटिकल वैल्यू आया -2.6 का, ये आपका आया लाइन -6 का विच इज इन द रिजेक्शन, तो रिजेक्ट. फिर एक डायग्राम बनाओ, उसमें -6 बनाओ. -6 का हमने p वैल्यू निकाला, मतलब -6 से इस तरफ में कितना परसेंट वैल्यू था, इंटू 2 किया. दैट मतलब जब आप ऐसे बनाओगे, आई डोंट हैव अ राइटिंग पैड, सो ऑब्वियसली आई हैव टू डू इट इन दिस वे. तो ये जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन बना, तो आपका ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है -6. अब -6 से इस तरफ छोटा सा जो रीजन है लेफ्ट तरफ में, उसका p वैल्यू निकालो. प्रोबेबिलिटी बेसिकली x ग्रेटर देन -6 पॉइंट वट एवर, वो उस तरफ का है, बट ये 2 साइडेड टेस्ट है, तो इंटू 2 किया. अब अगर वो इंटू 2 करने से 1% से छोटा है, तो मतलब वो जो क्रिटिकल वैल्यूज निकल रहा था, क्रिटिकल वैल्यूज 1% पे निकाल रहे हो, मतलब 0.5% इधर, 0.5% इधर, मतलब इस तरफ भी 0.5%, इधर भी 0.5%, मतलब आपका टोटल 1% आ रहा है, बट वो 1% से भी कम है, तो वो रिजेक्शन रीजन में आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. तो जब आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करते हो, तो आपको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना होगा. जब आप p वैल्यू से कंपेयर करो, तो आपको सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करना पड़ेगा. लॉजिकली मेक अ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड. जब से सब कुछ कंप्यूटर पे हुआ है, वर्ड हुआ है, आर आया है, तब से आर प्रोग्रामिंग शुड मेक लाइफ इजी. आप लोग सब लोग पता है कहाँ गड़बड़ करते हो? आप लोग बनाते नहीं हो, आप लोग डायग्राम बनाते नहीं हो. और हम लोग पता है हर चीज में डायग्राम बनाते थे और कंपेयर करते थे, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था. कमिंग न्यू जेन एक्चुअली लाइक यू गाइज, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं स्ट्रांग आता? ये मैं एकदम ट्रू फैक्ट है. द स्टूडेंट्स विच वर देयर इन 2018-19 एंड नाउ इफ यू कंपेयर, वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस एवरीथिंग ऑनलाइन. आप लोग छोड़ दियो बनाना. आप लोग को अभी मैं एक जन को बोलूंगी ना, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ नेगेटिवली स्क्यूड, 10 मिनट तक सोचोगे आप लोग कि नेगेटिवली स्क्यूड कैसे बनेगा. 10 मिनट तक सोचोगे. आई कैन कैच होल्ड ऑफ सच स्टूडेंट्स. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक इट, तब देखो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. क्योंकि ये चीजों में आप नहीं गड़बड़ कर सकते. दिस p वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज लाइफ लॉन्ग, ये आपको हर पेपर में काम आएगा. Got it? Any confusion अभी इस पार्ट में? I don't, क्योंकि ये common to one person नहीं, this is a common question to all students I have seen. अभी clear प्रांजल? Yes मैम, बट मिस मतलब मुझे क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का क्लियर है. जस्ट मुझे पी वैल्यू को मतलब 0.00 वो जो 2470 आने के बाद आएगा, वी शुड कंपेयर दिस विथ 0.01. हाँ, दिस आई वाज कंफ्यूज. मींस मुझे 1% से कंपेयर, आई वाज सेइंग ये 1% की कुछ वैल्यू रहती है क्या? तो 1% की वैल्यू ये है. हाँ, ओके, नाउ आई एम क्लियर. थैंक यू मैम. ठीक है, अगर कभी आई एम यूजिंग मतलब नेक्स्ट तुम लोग का पेपर ए का जो होगा, मैं बोल दूंगी सर को, सर बना के दिखा देंगे, बट वही होगा, सब बना के दिखाएंगे, तुम लोग नहीं बनाओगे, तो तुम लोग फिर वही गड़बड़ कर दोगे. प्लीज मेक एंड कीप इट. मतलब आई फील CS1 में स्पेसिफिकली आई फील दिस कि स्टूडेंट्स नहीं करते. अब देखो, अब आता है आपका मेन पार्ट. क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड असम्पशन फॉर अ 2-साइडेड टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीन्स इन 2 पॉपुलेशंस आर दैट. तो 2 असम्पशंस, ये ध्यान से सुनना, जो हम लोग 2-साइडेड टी टेस्ट में यूज करते हैं. ये जो हमने अभी किया 2-साइडेड टी टेस्ट, इसमें हम कुछ बेसिक असम्पशंस यूज करते हैं. वो क्या है कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल CT1 CT2, एंड दोनों का क्या होगा? वेरिएंस इक्वल. ये दोनों असम्पशन आपने लिया है तब जाके आपने टी डॉट टेस्ट किया है. नाउ द एनालिस्ट सस्पेक्ट्स दैट दोज अजम्पशंस मे नॉट बी सैटिस्फाइड एंड दे आर therefore interested in learning about the true significance level for such tests when assumptions A1 and A2 does not hold true. अब इनको true significance level जानना है, मतलब जैसे हमने अभी 1% पे reject किया, what will be the true significance level which will maybe pass our test or nearly reject the test when these two are not holding true. With the two independent samples given a particular choice of the significance level alpha, the true significance level for a two-sided test of the hypothesis of equal means can be calculated as like this. Alpha true, true value of alpha निकालने बोला. Alpha is a significant level, जिसे 1% था. वो कैसे निकलेगा जब आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, मतलब एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे आपका वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल पॉइंट. और जब भी ग्रेटर हो गया मतलब रिजेक्ट हो गया, है ना. तो ऐसे हम लोग को ये अल्फा का वैल्यू ढूंढना है. जैसे अभी ये जो -6 है इससे तो बहुत ग्रेटर आया, बट वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये -2 से ग्रेटर होगा, वो कौन सा सिग्निफिकेंस लेवल होगा. वेयर द क्रिटिकल पॉइंट इज द α/2 क्वांटाइल. α/2 क्यों बोला है? हमने क्या किया इधर, 0.05 का निकाला ना क्वांटाइल, हमने 0.5% पे निकाला, 1% पे नहीं निकाला. इट्स टू साइडेड टेस्ट, इसीलिए α/2 क्वांटाइल, नॉट अल्फा क्वांटाइल. हमने यहाँ पे जब क्वांटाइल निकाला 0.5% पे मैंने निकाला, 0.5% पे काटते हैं इसे और फिर देखते हैं जब टू साइडेड टेस्ट होता है, ठीक है. तो वही चीज है. एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रू सिग्निफिकेंस लेवल फॉर दिस टू साइडेड टेस्ट व्हेन the chosen level of alpha is 0.1 can be computed using the Monte Carlo simulation. मतलब alpha का value कैसे निकलेगा, देखो ये कोड समझते हैं. And question में भी वही बोला है. Note that the code provided above lacks best practice of including comments. यहाँ comments होने चाहिए जो नहीं है. Explain the provided code by placing the comments. So exam में जो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया था, इसमें क्या करना था उन स्टूडेंट्स को, इसको पूरे कोड को आप आर में वर्ड में डायरेक्टली करोगे तो बेटर रहेगा. इसको आप डायरेक्टली वर्ड में पेस्ट करो, क्योंकि देखो वहां पे भी कमेंट्स करना पड़े. एक ही बात आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स लिखो, वहीं पे कमेंट्स लिखना है, बट बाकी भी लिख सकते हो सिंस इट्स ऑफ 8 मार्क्स. नो, बाकी में जरूरत है नहीं. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेटिंग द सीड वैल्यू. सेटिंग द सीड वैल्यू फॉर व्हाट? टू गेट सेम आंसर्स अगेन एंड अगेन, टू अलाउ व्हाट? रेप्लीकेशन ऑफ आंसर्स. रुक, जॉब ही नहीं लिखना होगा, पहले डिस्कस कर रहे हैं. आई विल गिव यू ऑल टाइम. टू अलाउ रेप्लीकेशन ऑफ आंसर्स, ताकि बार बार सेम आंसर है व्हेनेवर द कोड इज रन. ये हो गया यहाँ पे. खाली सेटिंग सीड वैल्यू लिखने से आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा. 8 हैशटैग्स है तो 8 मार्क्स, 1 1 मार्क ईच. 0 मिलेगा अगर आप लिखोगे सेटिंग सीड वैल्यू. सेटिंग सीड वैल्यू टू अलाउ फॉर सेम रिजल्ट वेन एवर द कोड इज रन. खत्म. फिर अल्फा ले लिया इन्होंने, एम ले लिया मीन, एन नंबर ऑफ सिमुलेशन, नंबर ऑफ सैंपल साइज ले लिया, ये सिमुलेशन ले लिया, और ये भी कुछ इन्होंने यूज करा होगा बाद में. नाउ अब हम लोग क्या बोलेंगे, रनिंग फॉर लूप फॉर 8000 इटरेशंस, क्योंकि n आपका क्या है 8000 है. तो यहाँ पे आप लोग इस वाला हैशटैग में लिखोगे रनिंग अ फॉर लूप. अभी लिखना नहीं है, मैं टाइम दूंगी, आई विल शो यू द आंसर्स. रनिंग अ फॉर लूप कैपिटल N इक्वल्स टू 8000 टाइम्स. फिर देखो कैसे रन किया इन्होंने. पहले x इक्वल्स टू आर नॉर्म, पहले इन्होंने आर नॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या निकाला है, मीन निकाला है फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक कितना m20 वैल्यूज निकाला है. 20 वैल्यूज कहां से निकाला, स्टैंडर्ड नॉर्मल से. वापस 20 वैल्यूज कहां से निकाला, बोलो ना, ये कोड समझ में नहीं आ रहा देख के. फिर n क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल से निकाला, दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल से निकाला. तो लिखोगे सिम्युलेट टू सेट ऑफ रैंडम नंबर्स फ्रॉम normal 0,1 distribution of size 20 each with the same parameters या with the same mean and variance. हो गया. नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकाला. कैसे? टी डॉट टेस्ट हमने यूज किया एंड वाई डॉट इक्वल. तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स अंडर द अजम्पशन ऑफ इक्वल वेरिएंस. फिर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाला, डिटरमाइनिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय एडिंग द सैंपल साइज ऑफ बोथ द नंबर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग 2. फिर उसके बाद यहाँ क्या किया, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लिया है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूटी. ये क्यूटी से आपका क्वांटाइल वैल्यू आएगा एट व्हाट परसेंट, 1 माइनस अल्फा. अल्फा क्या है, 10%, 10 बाई 2 5%, 1 माइनस 5%, 95%. तो 95% पे आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आप देख रहे हो कि ये एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है. सो डिटरमाइनिंग वेदर द नल हाइपोथेसिस इज बीइंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. अगर ये ग्रेटर होगा तो रिजेक्ट होगा. सो डिटरमाइनिंग वेदर द टेस्ट नल हाइपोथेसिस इज बीइंग रिजेक्टेड बोलो. इफ ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो हम लोग 0 में 1 ऐड कर देंगे. तो हम लोग बोलेंगे अब यहाँ वाला हैशटैग में, इफ the null hypothesis is rejected, then we count the number of rejections. ये हो गया लूप खत्म. अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वेन योर लूप वॉज रन फॉर 8,000, हाउ मेनी टाइम्स वॉज योर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. क्योंकि एन रेज में क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इट वॉज रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय आप 8,000 करोगे. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ रिजेक्शंस आउट ऑफ 8,000 सिमुलेशंस. ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन. यू ऑल कैन रीड द सॉल्यूशन नाउ. ये आपका सॉल्यूशन है. इसको लिखते रहना. नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, एस्टिमेट द ट्रू सिग्निफिकेंस लेवल बाय यूजिंग द कोड प्रोवाइडेड अबव व्हेन द टू पॉपुलेशंस आर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी हम लोग को सेम चीज को रन करना है आर में, पूरा सेम कोड. तो जाओ, ये मैंने शायद कॉपी तो कर ही लिया था. ठीक है, एक करके रन करते हैं. देखो, हाँ बोलो, सीड वैल्यू अल्फा एम एन. जो लास्ट वाले पार्ट में कमेंट्स था उसमें मेंशन करना है कि नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी ऑफ मींस बिटवीन एक्स एंड वाई है. हाँ कर सकते हो नल हाइपोथेसिस भी. 0.099 आ रहा है, मतलब मेरा जो एस्टिमेट ऑफ अल्फा है हमने स्टार्ट किया था 10% से और आंसर आ रहा है 9.9%. ठीक है, बस यही करना था. 1 मार्क आपको इसको रन करने का ही देगा इन लोग. फिफ्थ पार्ट, estimate the true significance level by adjusting the code provided above to reject the following pairs of population. The first population is from standard normal and the second population is from normal with mean 0 and standard deviation 10. तो अब ये जो पार्ट ए होगा इसमें क्या चेंज होगा, खाली y में जो r नॉर्म है 0,10 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये सेम कोड लिखेंगे, जस्ट दैट इस सेम कोड में अब हम लोग सेम कोड रन करना है एक एक करके धीरे धीरे। बट अब फॉर लूप के अंदर जो y में है उसका मीन इन्होंने बोला है 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितने, मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 10, तो इसको 10 करो। ठीक है, लूप रन होगा, ये हुआ ये हुआ, आंसर आ रहा है 20%। एक बार देख लो, मेरा आंसर आई थिंक मैच नहीं हो रहा है क्या? कुछ गलत हुआ है शायद मैंने, हाँ मैंने एनरेज रन नहीं करा इसीलिए ये गड़बड़ है। सब एक एक करके रन करो। अब ये रन किया, अब ये रन किया, इसमें 1 लिख देती हूँ एक बार, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। 10.91%। पार्ट 5 का बी बोल रहा है द फर्स्ट टू पॉपुलेशन इज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मीन 10, standard deviation 2 and second is from exponential. तो अगेन द सेम थिंग, बट अब हम लोग को इसमें क्या कर देना है, पहला वाला होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10,2 और एक्सपोनेंशियल मीन REXP होगा, मीन 10 बोला है तो लैम्डा क्या होगा, याद रखना ये सब गड़बड़ होता है। मीन 10 बोला है तो आपका 20 या फिर n, 1/10 होगा ना, 10 मत लिख देना, लैम्डा गलत हो जाएगा। तो इसको भी एक एक करके रन करते हैं। इसको मैं, हाँ हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। अब आ रहे 12.875%। कंपेयर योर एस्टिमेट्स ऑफ द ट्रू सिग्निफिकेंस लेवल अंडर ऑल 3 सिनेरियोस। एक में आ रहा था हम लोग का 1%, 1% कहाँ आया इन ऑल द 3? अच्छा पार्ट 4, हाँ पार्ट 4 में कितना आया था? पक क्या किया है? वही तो बोला अभी, ये एक बार मैं दोबारा रन करती हूँ खाली। 0.099 आया था ना? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। तो एक काम करो, ये हो गया आपका पार्ट 6 अल्फा एस्टिमेट, अल्फा एस्टिमेट 1 एंड अल्फा एस्टिमेट 2। तो तीनों के केस में देखो, एक केस में आ रहा है हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 9.9%, एक केस में आ रहा है 10.9, एक में 12 पॉइंट समथिंग। और ट्रू लेवल क्या है, 10% है। अब इन्होंने बोला है सिग्निफिकेंस लेवल निकालने, तो एक केस में आपका अगर हम लोग माइनस करें, डिफरेंस है 1.0 पॉइंट समथिंग का, तो अगर हम लोग सबसे अल्फा माइनस कर देंगे, अल्फा ऐसे अल्फा माइनस कर दो सबसे, तो हम लोग को पता चलेगा ना डिफरेंस। तो एक केस में 0.1% का डिफरेंस है, एक केस में 0.9% का, एक केस में 2% का डिफरेंस है। तो यहां एक मिनट सुन लो तुम लोग, तो क्या बोल रहे क्वेश्चन में, आपने स्टार्ट किया था 10% से, ठीक है, अल्फा लिया था 10%। जब आपने पहला पार्ट 4 रन किया था, पार्ट 4 में हमने क्या वायलेट किया था, खाली ये वायलेट किया था। पार्ट 4 में हमने एक्चुअली कुछ वायलेट नहीं किया था, हमने सारे असम्पशंस वही लिए थे। बट जब हमने ये वाला चीज वायलेट किया कि दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल से नहीं है, सेम वेरिएंस वाला assumption बेसिकली, सेम वेरिएंस वाला assumption हुआ ना, इधर यहाँ पे वेरिएंस इसका 1 है, यहाँ पे वेरिएंस इसका 100 है, तो सेम वेरिएंस वाला जब हमने वायलेट किया तो हमारा कितना का डिफरेंस आया, 9.1% का डिफरेंस आया। जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वायलेट किया कि दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल से एक एक्सपोनेंशियल से, तो जब हमने पहला assumption वायलेट किया तो हमारा तब 2.8% का डिफरेंस आया। सो लार्जर डिविएशन कब आया, जब हमने क्या वायलेट किया था, वेरिएंस वाला assumption जब हमने वायलेट किया तो उससे ज्यादा बड़ा डिविएशन आया एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यही बोला इन्होंने, यही पूछा है। स्टार्ट किया आपने 10% से, एक जगह आपने पार्ट 5A में आपने किया वायलेट सेम वेरिएंस वाला assumption, नॉर्मल 0.1, नॉर्मल 0.10, वेरिएंस अलग है, मीन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, वहां ज्यादा आपका डिफरेंस इंपैक्ट आया rather than when you took different distributions, normal and exponential। वही चीज बोला है, क्लियर। और कुछ ज्यादा बड़ा ग्रेट हम लोग को नहीं लिखना है बिकॉज इससे ज्यादा हम लोग के सिलेबस में है भी नहीं एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टूड? बोलो मैम। मुझे समझ नहीं लगा कि डिफरेंस वो वाला ज्यादा क्यों है, 2 पॉइंट वाला क्यों नहीं है डिफरेंस ज्यादा, -2 पॉइंट जो था ये ज्यादा हुआ ना, ये नंबर मैंने उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, आई थिंक मैंने कुछ गलत आंसर निकाला है लग रहा है। अच्छा, वो मैंने उल्टा बोल दिया, मुस्कान, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने आई वाज जस्ट Not seeing this 0, I was just seeing 9 point। हाँ, ये उल्टा बोल दिया मैंने। Assumption when you violate different distributions का normal and exponential, तब आपका larger deviation आ रहा है as compared to variance। Yes, sorry, ये गलत हो गया। मैं इसको बार बार 9.1 देख रही है, 2.8 देख रही थी मैं, इसीलिए। So violating the assumption of same variance, हाँ, did not bring the large deviation from the true level as when the assumption normal distribution is violated। मतलब जब आपका पहला assumption, क्वेश्चन में जाते हैं, आपका जो पहला assumption violate हो रहा है तो इससे आपका ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है नॉर्मल एक्सपोनेंशियल जब आप ले रहे हो rather than equal variances वाला assumption। क्लियर? बोलो। यस मैम। एक चीज मुझे कंफर्म करना है, ठीक है, बिकॉज टी डॉट टेस्ट का जो फंक्शन है वो दो assumption लेता है अगर आप लिखते हो, वेरियंस डॉट इक्वल ट्रू एंड नॉर्मल अंडरलाइन। तो ऑब्वियसली नॉर्मल अंडरलाइन मेन होता है, तभी हम लोग टी टेस्ट करते हैं, नहीं तो टी टेस्ट आपका वैलिड ही नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा डिविएशन आपको देगा। ठीक है, लेट्स डू इट टिल हियर।